अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर, आओ देख तारीख सफर, अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, गुजरे हुए वक्तों पर डालो एक हकीकी नजर, उनकी ये कहानियां डालेंगी हर एक पे असर। चलते शको शुबा शिकायत ना करते, अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर। मालिक था ताकतवर, सफुरा तुम तो पिघल कर ही रह गई। उसने कोई मेहरबानी नहीं की, वो तुम्हारी तरफ से नजर हटा ही नहीं सका। क्या बात है, आज तो इतनी देर से क्यों आई है? रेगिस्तान से एक निहायत हैरत अंगेज मिस्र निकल आया। उसने सिर्फ एक लफ्ज कहा, उसने हुक्म दिया कि हमें अकेला छोड़ दे, इसके सिवा और कुछ नहीं। वो भी मजबूत व तवाना था जो रेगिस्तान से उभर कर आया, हमें मालूम नहीं कहाँ से। उन्होंने सोचा कि वो कोई भूत या और कुछ है। कहाँ है वो मिस्री शख्स? मजबूत तो तवाना मेरी प्यारी बेटियों को बचाने वाला, क्यों ना वो सात दस्तरखान पर हमारे मुल्क की बेहतरीन चीजें खाए। मैं इस गैर मुल्की का मखरूज हूँ, मैं जा रही हूँ। जाओ तुम सब लोग, उसे दावत दो ताकि हम आज रात जश्न मना सकें। मैं तो बस जश्न मनाने का बहाना ही ढूंढ रहा था। मैंने तुम्हारी माँ सफोरा से शादी कर ली और हम लोग मिदियान में 40 साल तक रहे। और मिस्र में आपके खानदान वालों का क्या हुआ? उनकी और मुल्क मिस्र की भी मुझे कोई खबर नहीं मिली और खुद मैंने भी मालूम करने की कोशिश नहीं की। वो क्या अब्बा जान? मैं बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे दादा जान जेथुरू के साथ, फिर तुम पैदा हुए मेरे बेटे। चाचा जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। चाचा जान, मैं अपने बेटे की खतना चाहता हूँ। मैं इसका नाम गर्शोम रखूंगा क्योंकि मैं यहाँ एक अजनबी हूँ और आपने मेरा इस्तकबाल किया है। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन अपने बच्चे की खतना न करवाइए, जैसा कि आपका इरादा है। चाचा जान, अल्लाह ताला से ये हमारा मुआहदा है। तुमने कहा था कि दोबारा मिस्र कभी नहीं जाओगे, अब हम लोग आप ही के हैं तो अल्लाह से आपका क्या मुआहदा है? ये मुआहदा हमारे जद्दे अमजद इब्राहिम का है कि हर लड़के की खतना की जानी चाहिए, मेरे बेटे की भी।
सफोरा बच्चे की खतना नहीं करवाना चाहती और वो तुमसे बहुत प्यार करती है मूसा। मैं उससे अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हमें बच्चे की खतना करवानी चाहिए। क्या तुम्हारा अल्लाह ये नहीं समझता कि इस तरह खानदान बढ़ जाएगा? मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में जरूर पूछूंगा। और क्यों नहीं उससे पूछ लो, पूछो उससे। ऐ मेरे वालिद इब्राहिम के अल्लाह, ऐ मेरे वालिद इसहाक के अल्लाह, ऐ मेरे वालिद याकूब के अल्लाह, मुझे इस जिंदगी से प्यार है और मैं इसी तरह जीना चाहूंगा। मैं बहुत मोहब्बत करता हूं अपनी बीवी सफोरा से और बेटे गर्शोम से। मुझे राह दिखा या अल्लाह, और हमेशा वो रास्ते दिखा जिन पर मैं चल सकूं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सरताज। वालेकुम अस्सलाम सफोरा। मैं आपके लिए खाने और मशरूबात लाई हूं बराए करम। शुक्रिया। अल्लाह का एहसान है। मैं फिर से हामिला हो गई हूं मूसा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रहीम और करीम है, उसने हमें सुकून की जिंदगी दी। पैदा होने वाला बच्चा औलादे नरी ना हो तो मैं आपको इजाजत देती हूँ कि उसकी खतना कर दे। क्या हुआ मेरी प्यारी सौजा? मुझे आपके अल्लाह से डर लगता है। मैं नहीं चाहती कि वो गुस्सा हो जाए या ये सोचे कि मैं उसका एहतराम नहीं करती, क्योंकि मैंने आपको अपने बेटे गर्शोम के खतना से मना कर दिया था। हम मिस्र का दौरा करके ये देखना चाहते हैं कि आप कहाँ रहते थे। मैं दोबारा मिस्र नहीं जाना चाहता। क्या आप अभी समझते कि गोशन वहाँ है? हाँ, गोशन वही है। मेरे लिए ये ऐसा ही है जैसे मैं दो लोगों के बीच अटक गया और एक ऐसे फसील पर बैठा हूं जो दो दुनियाओं को अलग करती है। मैं दो पहचानों से जद्दोजहद कर रहा था जो कभी एक साथ नहीं हो सकती। आपका मतलब दो भाइयों के दरमियान जो आपस में झगड़ते हों? हाँ बिल्कुल, ऐसे दो भाइयों की तरह, जबकि मुझे दोनों से मोहब्बत है, लेकिन वो दोनों कभी एक दूसरे से राजी नहीं होना चाहते। एक दिन उनमें से एक खड़ा हो गया जिसने दूसरे को कत्ल कर दिया, सो मैंने निजात की खातिर गुरेज किया। मुझे खुशी है कि आपने ऐसा गुरेज किया अब्बा जान, वरना हम पैदा ही ना हो पाते। वाकई ताज्जुब है कि बेहतरी भी किसी खौफजदा शुरुआत से निकल कर आ सकती है। तुम दोनों मेरी जिंदगी की दी हुई बख्शिश हो, और मैं एक चरवाहा था और मेरे पास एक चरवाहे का दिल है, इसमें कोई ताज्जुब नहीं। लेकिन अब्बा जान, आप तो एक शहजादे हो और आपके पास शहजादे का दिल है। ये सच है, मैं शहजादे की तरह पला बढ़ा, लेकिन मेरा दिल हमेशा चरवाहे का था। बराए करम, तुमने हमेशा मुझे मात दी है। मैं आपके लिए कुछ लाई हूं, ये लीजिए। तुम कहां जा रहे हो? कल सुबह मैं और मेरा बेटा रेगिस्तान के पिछले हिस्से में अपने मवेशियों का गोल ले जाएंगे। क्या आप लंबे फासले पर जाएंगे? मैं नहीं जानता सफोरा। मैं जानता हूं ये लंबा फासला होगा, अपना ख्याल रखना, बखैरियत वापस आ जाना। इंशाअल्लाह मैं आ जाऊंगा।
खुदा करे सुबह बखैर हो। अपना ख्याल रखिए चचा जान। और आप भी। खुदा हाफिज प्यारी सौजा। बच्चों अपने वालिद का ख्याल रखना। बिल्कुल फिक्र ना करें अम्मी, हम पूरा ख्याल रखेंगे। रेवड़ से एक बकरी गायब हो गई है, तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं उसको ढूंढ कर लाता हूँ। मैं भी साथ चलूंगा अब्बा जान। नहीं रहने दो, तुम अपने भाई के साथ रहो। अब्बा जान देर ना करिएगा, मेरे आने तक आराम करो। अचानक झाड़ियां पुकारती हैं। मूसा, मूसा, मैं यहां हूं। मूसा, नजदीक मत आना और अपने जूते निकाल लो, क्योंकि ये मुकद्दस जगह है। मूसा, मैं तुम्हारे वालिद का अल्लाह हूं और इब्राहिम का अल्लाह। मूसा, मैंने मिस्र में रहने वालों की रुसवाई और ज़िल्लत देखी है, इसलिए आपको मिस्र से निकालकर ऐसी जगह अता करूंगा जहां दूध और शहद की नहरें बहती हैं। मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजूंगा ताकि तुम आले इसराइल को मिस्र से निकाल ले जाओ। लेकिन फिरौन के पास जाने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मिस्र से लोगों को बाहर निकाल लाओगे और उन पहाड़ियों पर अपने अल्लाह की इबादत करोगे। किन से ये कहूंगा कि भेजा गया हूँ? गोशन के उम्र रसीदा लोगों को जमा करो और उनसे कहो, मैंने तुम्हें भेजा है, जो तुम्हारा अल्लाह है और तुम्हारे जद्द इब्राहिम का। लेकिन अगर उन्होंने मेरा यकीन न किया तो? मूसा, तुम्हारे हाथ में क्या चीज है? असा। इसे जमीन पर फेंक दो। इसे धूम धूम तरफ से पकड़ो। अब आप हाथ अपने चोखे में डालो। अब बाहर निकालो। कौन है इंसान के मुंह का खालिक
किसने बनाया गूंगा पहरा दीना या नाबीना, क्या वो खालिक अल्लाह नहीं है? अब तुम जाओ, मैं तुम्हारे मुंह को बोलना सिखाऊंगा और तुम्हें ये सिखाऊंगा कि क्या कहना है। आप मेरे अल्लाह हैं, मैं बोलचाल में अच्छा नहीं हूँ, मैं हक लाता हूँ। क्या तुम्हारा भाई नहीं, वो तुमसे मिलने आ रहा है। मैं अपने अल्फाज उसके मुंह में डालूंगा और फिर मैं तुम्हारे और हारून के साथ हारून लोगों के लिए तुम्हारे अल्फाज का तर्जुमान होगा और फिराउन के सामने अपने मौजज़ात दिखाना। लेकिन मैं फिराउन के दिल को सख्त कर दूंगा और तुम लोगे। इसराइल मेरा बेटा है, बल्कि मेरा पहला बेटा। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसराइल को जाने दो, और अगर तुमने उसे नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हारी पहली औलाद को अली आज़र, गर्शों, बकरियों को इकट्ठा करो, हम घर वापस जाएंगे। लेकिन क्यों अब्बाजान? आपने कहा था कि ये एक लंबा सफर होगा। हाँ कहा था, लेकिन अब अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर है। अब्बा जान मुझे बताइए, आप ठीक तो है ना? हाँ मेरे बेटे, चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम, बैठ जाओ मुसा, कुछ खा लो, बैठो कुछ खा लो, बैठ जाओ। मैं हमेशा इससे लुत्फंदोज होता हूँ। अचानक रेगिस्तान से लौट क्यों आए? इसलिए कि मुझे मिस्र जाना होगा, ये देखने के लिए कि मेरा खानदान और मेरे लोग अब तक जिंदा है या नहीं। तुम ठीक तो हो? बिल्कुल ठीक, लेकिन मुझे मिस्र लौटना ही होगा। मैं जानता था कि जल्दी या देर से तुम वहां जरूर लौटोगे। 40 बरस बीत चुके हैं। यकीन कीजिए चाचा जान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे लौटना होगा, लेकिन फिक्र ना करें, मैं वहां रुकूंगा नहीं, जल्द ही लौट आऊंगा। और बच्चों का क्या होगा? और सफोरा? उन्हें भी साथ में ले जाऊंगा ताकि वो मेरे खानदान को जान सके। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, जो कभी खत्म ना होंगी। तुम्हारा सफर सकून और आराम से गुजरे। मैं खच्चर का बंदोबस्त करता हूं। आप मेरे लिए अल्लाह का तोहफा है, मैंने आपके साथ 40 साल गुजारे हैं। कमाल है, पलक झपकते ही वो वक्त गुजर गया। तुमसे शादी का रिश्ता जोड़कर कोई भी शख्स फख्र महसूस करेगा। काश मिदियान का हर बाशिंदा तुम्हारी तरह होता। खाइए। अब्बा जान, आपने पूरी दास्तान दादा जान को क्यों नहीं सुनाई? मैं इसमें क्या कह सकता था, ये कह देता कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं फिरौन के सामने मौजजात दिखाऊं, और अगर उसने मेरे लोगों को जाने से रोका तो अल्लाह पाक फिरौन का दिल सख्त कर देगा और उसकी पहली औलाद को नेस्तो नाबूद भी कर देगा। तुम्हारे दादा जान जेथ्रू एक अच्छे इंसान है बेटे। अब्बा जान, क्या आप खौफ ज़दा थे? यकीनन सहमा हुआ था, वो कोई पागल ही होता जो डर ना चाहता। ये जगह काफी अच्छी है, आज की शब हम यहीं कायम करेंगे। जाओ बच्चों,
लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मूसा, इसका बदन तो बुरी तरह तप रहा है, लगता है अचानक बुखार का शिकार हो गया है ये। इसकी खतना करवानी चाहिए। ये किस किस्म की दवा है? हम लोग कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। हमें लाजमी तौर पर इसकी खतना करवानी चाहिए। क्यों? सफूरा, हम लोग मिस्र जा रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें भेजा है। मैंने आपसे खतना करवाने की वजह पूछी है मेरे सरताज, तो आपने ये मिस्र का तस्करा क्यों शुरू कर दिया? और आपने मिदियन छोड़ने से पहले उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैं नहीं चाहता था कि जित्रो इस बारे में फिक्रमंद हो जाए, और मुझे यकीन है कि वहां से रुखसत होने पर बताता तो तुम मेरे साथ ना आना चाहती। लेकिन आप तो जानते हैं, आप जहां कहीं भी कहेंगे मैं आपके साथ चलूंगी। मैंने एक जलती हुई झाड़ी देखी है, अल्लाह ने उस दहकती झाड़ी के जरिए मुझसे गुफ्तगू की। सफर, अल्लाह ने आपसे बात की? हाँ, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के अल्लाह ने मुझसे गुफ्तगू की। उसी ने मुझे मिस्र भेजा है फिरौन से बात करने के लिए। क्या अल्लाह आपको फिरौन बनाना चाहता है? नहीं मेरे बेटे, अल्लाह अपने लोगों को निजात दिलाना चाहता है। सफोरा, क्या हुआ? सफोरा, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। लगता है आप पर भी बुखार का असर हो रहा है। चलिए। मुझे ठंड लग रही है सफोरा, कुछ ओढ़ा दो। आपको बुखार हो गया है मेरे सरताज। अब हमें गर्शोम की खतना करवानी ही होगी सफोरा। वो हमारी पहली औलाद है और वो अब तक हम लोगों के मुआहदे में दाखिल नहीं हुआ है। आपके कहने का मतलब क्या है? अल्लाह मिस्र के हर पहले बच्चे को हमें गर्शोम का खतना करवाना ही है। मुझे अल्लाह ताला का हुक्म मानना ही होगा। मैं मर जाऊंगा सफोरा। मैं बीमार हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ। आप ऐसा न कहिए मेरे सरताज, बस आराम कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे सरताज। अम्मी, क्या कोई फिक्र की बात है? अब्बा जान बीमार क्यों पड़ गए? तुम्हारे वालिद एक बटे हुए इंसान है अली अजहर, मैं तो बस इतना ही समझती हूँ। तुम्हारे अब्बा का आधा दिल मिस्र में है और उनका आधा दिल गोशिन में था, और अब अल्लाह ताला चाहता है कि उनका पूरा दिल गोशिन में हो जाए क्योंकि वो इब्रानी हैं। और आप क्या करेंगे? चकमक का पत्थर ला दो। चकमक का पत्थर? किस लिए? मैं जो कह रही हूँ वही करो। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर, अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त।